पे गया आगे, तो अभी फौरन क्या मिला है? जी ना, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा वो पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट रही है। अब पहली दफा ऐसा मौका आया है कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छी बातचीत चली है। हमेशा पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट ने पंजाबी पॉलिटिशियंस को ही सपोर्ट किया है, और ये एक अच्छी सियासी टैक्टिक थी कि पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी की अब बातचीत बन गई है, और वो भी एक एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हो गई है। पहले वो सिक्योरिटी रिस्क थी, अब वो बिल्कुल सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। ये नितिन रेड्डी साहब, आपने जो पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट की बात की है, ये जरा वाजह करें, यानी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना आर्मी चीफ एक नॉन पंजाबी को मान लेती है, वो एमक्यूएम से मुजाकरात करके एमक्यूएम को इक्तदार में ले आती है, पीपल्स पार्टी को भी ले आती है वक्तन फवक्तन, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट कैसे, मतलब ये माजी में तो इस तरह हुआ, अब भी इस तरह हो रहा है, एमक्यूएम भी है, सदर मुशरफ जो है वो भी नॉन पंजाबी स्पीकिंग है, उनके लिए भी पूरी एस्टेब्लिशमेंट तन मन धन अपना उठा रही है, तो एस्टेब्लिशमेंट की किस तरह से सोच को आप डिफाइन करते हैं फिर? देख डॉक्टर साहब, एस्टेब्लिशमेंट तो सिर्फ एक सरबराह से एस्टेब्लिशमेंट नहीं बन जाती। पंजाबी जो पाकिस्तान की फौज है वो बेसिकली प्रेडोमिनेंटली डोमिनेटेड है पंजाबियों से, इसी तरीके से पाकिस्तान की जो सिविल सर्विस है वो भी बेसिकली डोमिनेटेड है पंजाबियों से। पंजाब जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है, और इसी को पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। आप जुडिशरी भी देख लीजिए, कोई भी आप स्टेट का कोई ऑर्गन देख लें, स्टेट के जो ऑर्गन है उसमें सारी पंजाबी पंजाब और पंजाबियों की डोमिनेशन है। तो वो अब कोई लंबे लॉन्ग टर्म सियासत उस मुल्क में विदाउट पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकती, और इसीलिए तो देवी सिंह भुट्टो साहिबा को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया था, क्योंकि वो सिंधी नेशनलिज्म जो है वो उसको उभार रही थी, और वो पंजाबियों को ही अहमियत दे रहा था। और अभी भी आप देखें पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो पंजाब में मेरा ख्याल है 1/3 पंजाब का वोट बैंक पीपल्स पार्टी का है, बाकी जो 2/3 है वो तो फिर भी अभी भी पंजाबी सियासतदानों के लिए है। तो एमकेएम ठीक है, एमकेएम मतलब उस दायरे में आ गई जहाँ एस्टेब्लिशमेंट उसे कबूल करके दिल से नहीं, एमकेएम ने भी तो ये देखा है ना जी कि पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट के बगैर काम नहीं चलता। पहले आपको याद होगा कि एमकेएम ने टक्कर ली थी पाकिस्तान की फौज के साथ 6 साल, सर 1992 to 1996, 4 साल इनफैक्ट ये क्रैकडाउन रहा, आपको पता होगा रेंजर्स ने भी क्रैकडाउन किया और पाकिस्तान की फौज ने भी क्रैकडाउन किया, और फिर जाके एमकेएम को समझ आई कि पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और आप देखिए उन्होंने PMLQ के साथ लड़ाई झगड़े तो जरूर किए मगर काम तो किया, और आगे जाके अब वो जब क्योंकि पीपल्स पार्टी अब टेंट के अंदर आ गई है एस्टेब्लिशमेंट के, तो एमकेएम पीपल्स पार्टी के साथ भी काम करेगी।